हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। ये वीडियो इस्लामियात के हवाले से इंतहाई अहम है। जो ईटा कांस्टेबल के लिए पोस्ट आए उसके लिए बिल्कुल अहम है। नमाज कसर डैश के वक्त पढ़ी जाती है, इसके लिए करेक्ट आंसर है चांद ग्रहण, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश जिंदगी पैदा करने वाली मखलूक की रूहें निकालता है, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी इज़राइल अलैहिस्सलाम, यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गार हिरा डैश पहाड़ में है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। एनोर यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ईद की नमाज डैश हैं, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है वाजिब, ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें दुरुस्त जवाब है। ईद की नमाज वाजिब है, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 1.5 साल क़याम किया, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर 10 साल, ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 1.5 हिजरी में हुई, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सूरह डैश में बयान किया गया है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है। सूरतुल फातिहा में ये बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में मोहम्मद का नाम 1.5 बार आया है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन डी है। 4 यानी 4 मरतबा मोहम्मद का नाम आया कुरान पाक में। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्ला 2 मरतबा है, इसके लिए दुरुस्त जवाब है अल नमल, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी सूरत बग़ैर बिस्मिल्ला के शुरू होती है, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अल तौबा, जो बिस्मिल्ला के बग़ैर शुरू होती है वो सूरतुल अल तौबा है। वुज़ू गुसल और तयमम के अहकाम की सूरत में है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। अलमाइदा में इसका जिक्र आया है, वुज़ू गुसल और तयमम के बारे में अलमाइदा सूरत में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरह अल इमरान में किस मशहूर गज़वा का जिक्र है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ऑप्शन बी है गज़वा बदर। सूरह इमरान में गज़वा बदर का जिक्र आया है। सूरह काफ में अस्हाबे काफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है यानी कुत्ते का जिक्र आया है, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मस्जिद क़िबला तैन डैश में वाक़िया है, इसके लिए दुरुस्त जवाब है मस्जिद क़िबला तैन डैश में है, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल के हवाले से जो पोस्ट आई, इसके लिए ये बिल्कुल सेलेक्टेड सवालात हैं सारे। हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यानी रामी कहते हैं रामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत डैश ने कमूस का किला फतह किया, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब्दुल मुतलिब का इंतकाल 1.5 ईस्वी में हुआ, इसके लिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है 578।
578। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेढ़ साल तक हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, इसकी जो सौतेली माँ थी हलीमा, इसके बारे में, इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 6 साल। दूसरा जवाब, अब्दुल मुत्तलिब ने डेढ़ साल तक पैगंबर इस्लाम की देखभाल की, इसके लिए दूसरा जवाब ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी दूसरा जवाब है 2 साल अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू जेल का असल नाम डेश्ता, इसके लिए दूसरा जवाब है ऑप्शन सी उमर बिन हशाम। ऑप्शन सी यहाँ पर दूसरा जवाब है, अबू जेल का असल नाम उमर बिन हशाम था, यहाँ पर सी दूसरा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हुकम किसका लकब है, अबुल हुकम किसका लकब है, इसके लिए दूसरा जवाब है ऑप्शन ए अबू जहल का, अबुल हुकम लकब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साल बाद बीबी आमना का इंतकाल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के डेढ़ साल बाद बीबी आमना का इंतकाल हुआ, इसके लिए दूसरा जवाब ऑप्शन बी है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलादत रसूल सल्लम के डेढ़ साल बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, इसके लिए दूसरा जवाब है ऑप्शन डी 8 साल बाद, यानी विलादत रसूल के 8 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेढ़ को हिजरत का महीना कहा जाता है, इसके लिए दूसरा जवाब है ऑप्शन डी रबीउल अव्वल को हिजरत का महीना कहा जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर